प्रस्तुतकर्ता बैल कोल्हू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। प्रायोजक नरिश, साधारण छोड़ो न्यूट्रिशन चुनो, समझे बच्चू, रफान नूडल्स, फन टाइम हेल्दी टाइम और एडवॉन योर एनर्जी पार्टनर, भरोसा भारत का। यूपी टेट पेपर लीक होने की वजह से रद्द हुई परीक्षा, अब तक 23 गिरफ्तार। टेट परीक्षा लीक होने पर कांग्रेस ने योगी सरकार पर बोला हमला, कहा कि एक भी भर्ती परीक्षा सफल नहीं करा पाए। देवरिया पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, विकास योजनाओं का देंगे तोहफा। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव पहुंचे सीतापुर, जेल में बंद आजम खान से करेंगे मुलाकात। हरिद्वार के पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की शिरकत। बीजेपी के सपा बसपा को बड़ा झटका, दो सपा और एक बसपा नेताओं ने ली बीजेपी की सदस्यता। पीएम मोदी ने देश की जनता से की मन की बात, कहा सत्ता नहीं देश की सेवा करना चाहता। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सतर्क, यूपी सरकार जारी कर सकती है नई गाइडलाइन। बलरामपुर में असदुद्दीन ओवैसी की रैली, उतरौला में शोषित वंचित समाज सम्मेलन को करेंगे संबोधन। वाराणसी में बीजेपी के किसान सम्मान चौपाल, आज ट्रैक्टर महारैली को दिखाई हरी झंडी। मिर्जापुर में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, कहा सपा बसपा जैसे बड़े क्षेत्रीय दल बीजेपी को रोकने में पूरी तरह से फेल। रायबरेली के निफ्ट कैंपस में दीक्षांत समारोह संपन्न, छात्र छात्राओं को दी गई डिग्रिया। जालौन में युवक की जूते चप्पलों से बेल्ट से पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटे पुलिस। फरुखाबाद में युवक ने थाने में की आत्महत्या की कोशिश, दुष्कर्म के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। सहारनपुर में पुलिस की दबंगई, 20 सड़क पर बुजुर्ग को दी गालियां और मारपीट भी की। हरदोई में लापता कोटेदार और चालक की सड़क किनारे मिली बाइक, बीजेपी नेता के बेटे सहित 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। प्रयागराज में पुलिस के रवैये से हाईकोर्ट नाराज, कटौली थाना पुलिस के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए तलब किया गया। आसमगढ़ में शादी समारोह में लाइसेंसी पिस्टल से की गई हर्ष फायरिंग, वीडियो वायरल।